फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बहुत ही इजी मिठाई की रेसिपीज़। और ये वाली जो मिठाई हम बनाने वाले हैं ना, इसमें ना तो आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई मावा या चाशनी की, और बिना गैस चलाए ये वाली मिठाई हम बनाने वाले हैं। खाने में बहुत टेस्टी बनती है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले दो पैकेट ले लिए क्रीम बिस्किट। आप किसी भी ब्रांड के कोई भी क्रीम बिस्किट ले सकते हैं। मैंने इसमें चॉकलेट फ्लेवर लिया है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, चॉकलेट फ्लेवर वाले हमने जो क्रीम बिस्किट लेने हैं। और इन दोनों पैकेट में से जो टोटल बिस्किट निकले हैं ना, वो 24 बिस्किट निकले हैं, 24। और इसको अभी हम मिक्सर ग्राइंडर में एक बार अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे बिस्किट हैं जो अच्छी तरह से पीस लिए हैं, और ये देखिए बहुत ही अच्छा से इनका पाउडर बन गया। और हमने ना इन बिस्किट्स की क्रीम नहीं निकालनी, क्रीम को भी साथ में ही हमने ऐसे पीस लेना है। इसके बाद हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इस मिठाई को ये देगा। इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। बिस्किट भी बहुत मीठे हैं, तो मीठा हम इसमें कम डालेंगे। आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 1 चम्मच चीनी इसमें कम भी कर सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी है। अब मैंने 15 से 20 लिए हैं बादाम और 15 से 20 पिस्ता। इनको बिल्कुल बारीक कट कर लिए है, और इनको भी आपने स्किप नहीं करना, ड्राई फ्रूट्स इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही अच्छा इसका जो फ्लेवर आएगा इस मिठाई का। तो अभी हमने इन सबको अच्छी तरह से मिला दिया। अब ना हमने इस तरह से देखिए चम्मच से दूध इसमें डालना है। तो अभी हमने इसमें जो 4 चम्मच दूध डाल दिया है, और जो दूध आपने लेना वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध लेना है। इसके लिए आपने गर्म दूध बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और ये देखिए हाथों से हम इसको ऐसे अच्छी तरह से मसल देंगे। और देखिए मैंने सिर्फ 4 चम्मच इसमें दूध है जो हमने यूज़ किया है, और उसी से बहुत अच्छी बाइंडिंग आ रही है। तो एकदम से आपने इसमें कटोरी या कप से दूध नहीं डालना, चम्मच की हेल्प से दूध डालिएगा पहले 3 से 4 चम्मच। अगर बाद में आपको ज़रूरत लगेगी तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं। और आपने इसको गूंदकर अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना, जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे ही। इसके बाद एक फॉइल पेपर लीजिए और इसको इस तरह से एक शेप दे दीजिए, और फॉइल पेपर से ऊपर से आपने ऐसे इसको अच्छी तरह से सेट कर देना, हाथों से अच्छी तरह से दबा देना, जिससे इसकी एक प्रॉपर शेप जो भी आप इसको देना चाहते हैं वो आ जाए। इसके बाद फॉइल पेपर में कवर करने के बाद हम 1 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है। और ये देखिए अभी 1 घंटे के करीब हमें हो चुका है, और ये देखिए मिठाई है जो हमारी, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा सिल्वर वर्क, आप जैसे भी चाहें, अगर आप चाहते हैं आप सिल्वर वर्क लगा सकते हैं, नहीं तो ना ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर उसका पाउडर बनाकर उसमें भी इसको रोल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा दिया, और अभी ये देखिए इसके पीसेस हम कट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको साइड से पहले क्लीन कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी ये मिठाई है जो बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही सस्ते में, और बहुत ही जल्दी आप इसको जो बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मैं तोड़कर इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई है जो बनकर तैयार होती है। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले 2 पैकेट लिए हैं पार्ले जी बिस्किट के। ये मैंने जो 10 रुपीज़ वाली पैकिंग ली है, आप इसकी जगह पे कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, चॉकलेट बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी और ब्रांड के मीठे बिस्किट हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बिस्किट्स को इस तरह से तोड़कर देखिए मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिए। सारे बिस्किट्स आपने तोड़ लेने हैं, और इसको जो है अच्छी तरह से इसके बाद ग्राइंड कर लेना, अच्छी तरह से पीस लेना। बहुत ही फाइन पाउडर इसका बनकर तैयार हो गया। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर है जो इसको बहुत ही चॉकलेटी फ्लेवर देगा, बहुत ईजिली आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। तो 1 चम्मच हमने इसमें कोकोआ पाउडर डाल दिया, और इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली है, तो 3 चम्मच मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। बिस्किट ज़्यादा ये वाले जो है ज़्यादा मीठे नहीं होते, इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच जो पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है। के बाद मैंने ये 3 चम्मच ही लिए हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो मिल्क पाउडर जो इसको बहुत ही मावा फ्लेवर के लिए 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, और इसी के साथ थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता। आप चाहें तो इसमें जो काजू भी ऐड कर सकते हैं।
अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ठंडा दूध। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, गर्म दूध इसके लिए यूज़ नहीं करना, और दूध जैसे चम्मच की हेल्प से ना एक एक दो दो चम्मच करके इसमें ऐड करना, और उतना ही दूध डालना जिससे ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसको हम एक डो फॉर्म में ले आएंगे, अच्छी तरह से गूंद कर इसको इस तरह से ले आएंगे। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। पेड़े आप जैसे भी चाहें बना सकते हैं। मैं देखिए इस तरह से इसके जो पेड़े बना रही हूँ। तो ये हमने जितने भी पेड़े बनाकर तैयार कर लिए, ऊपर से मैंने इसके लगा दिया थोड़ा सा सिल्वर वर्क, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बारीक कटा हुआ पिस्ता, जिससे इनकी लुक है जो और भी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। आई होप आपको आज की ये दोनों रेसिपीज़ हैं जो अच्छी लगी होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे फ्रेंड।